हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीएस ब्लॉग। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं द फेमस मणिकरण, जो कि एक गुरुद्वारा भी है और शिव जी का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है, जहां जो कि फेमस है अपने गर्म कुंड के लिए, जहां पर बहुत सारे गर्म कुंड के या गर्म पानी के झरने हैं। दोस्तों, मनाली से मणिकरण की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की, जो हम बाय रोड कवर करेंगे, जो कि हम कवर करेंगे अपनी जो हमने टैक्सी हायर करी है। और इस रास्ते में एक तरफ आपको ब्यास नदी और पार्वती नदी मिलेगी, तो दूसरी तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे। ये रास्ता बहुत ही सुहाना है। बीच के रास्तों में आपको बड़े बड़े लंबे लंबे देवदार के वृक्ष देखने को मिलेंगे, जो कि आपके रास्ते को और भी सफर को खूबसूरत बना देते हैं। इन नजारों को अपनी आंखों में बसाते हुए आप पहुंच जाएंगे कसौल। अगर आप चाहें तो आप कसौल में स्टे भी कर सकते हैं, पर हम सीधे जाएंगे मणिकरण। तो दोस्तों, फाइनली वी रीच एट मणिकरण। हाँ ठीक है, आप लगा लो। ये है हमारी गाड़ी। यहाँ तक आने में हम लोग को लगभग 2 घंटे का समय, 2-2.5 घंटा लग गया मनाली से। तो इतना ही आने में लगेगा, इतना ही जाने में तो इतना समय लेके चले। वाओ, थोड़ी थोड़ी दिक्कतों के बाद हमें बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिले। ये हमें प्रकृति हमारी हमें सिखाती है कि कितने कठिन कठिन प्लेसेस के बाद और कठिनाइयाँ उठाने के बाद हमें अच्छे नज़ारे या कहो अच्छा फल मिलता है। तो वाओ, जस्ट वाओ। सामने है यहाँ का गुरुद्वारा और ये है पार्वती नदी। और ये देखिए गर्म पानी का कुंड। दोस्तों, मेरे पीछे आप धुआं देख रहे होंगे, ये पूरा पूरा गर्म गर्म पानी है। नीचे पार्वती नदी, वो बर्फ से पिघल के आ रही है। नदी का फ्लो देखिए आप, कितना बेहतरीन है। वो देखिए गर्म पानी का कुंड सामने। ये है गुरुद्वारा। अगर आप मनाली आते हैं तो ये भी आपके मस्ट विजिट प्लेस होना चाहिए। पूरा लिस्ट बना के उसमें ये भी डालिए, अच्छा लग रहा ना? हाँ, वहाँ से एकदम गर्म पानी आ रहा है और ये एकदम ठंडी नदी है। पार्वती बर्फ से निकलती हुई सामने ग्लेशियर से आ रही है। इधर हमारा है गर्म पानी का कुंड। इसमें गर्मा गर्म पानी है, लोग यहाँ स्नान करते हैं। ये भी कितना गहरा है यार, ये तो गहरा लग रहा है देखने में। नहीं, अच्छा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, यहीं तक तो है, यहाँ तक है ये। देखो अंदर है। नहीं नहीं, अंदर नहीं है ये, देखो यहाँ पर यहीं तक है बस। ये पत्थर दिख रहा है इतना ही है। इतने ठंडे मौसम में तो और इतनी ठंडी नदी के बाद इतना बड़े बड़े कुंड गर्म मिल रहे हैं। आपका जो है वशिष्ठ टेम्पल पे भी नहाने का गर्म पानी का कुंड था और यहाँ पर भी गर्म पानी का कुंड है। तो अगर आप लोग नहाने में कोई किसी को दिक्कत हो रही हो तो यहाँ भी नहा सकता है, स्नान कर सकते हैं। तो एंट्री से एंट्रेंस लेने के बाद इधर आप आते हैं तो आप जूता वगैरह उतार सकते हैं। ऊपर जाना है, गुरुद्वारा है, दरबार साहब। मंदिर जाना, तो इधर है ऊपर गुरुद्वार साहब का मंदिर और लंगर वगैरह, और इस तरफ हमारा मंदिर है। और ये देखिए इधर से भी है वे टू फर्स्ट। और ये अपना भालू भी आपको बढ़िया मिलेंगे। वो सब कुंड है ना पानी का,
ये देखिए यहाँ पे एटीएम सुविधा भी है, उसमें ला देना है तो ये मार्केट वगैरह है। ले लो प्रसाद बनाएंगे, मंदिर किधर है, मंदिर किधर है, मंदिर अच्छा प्रसाद चढ़ेगा, ले लो आपने लेना ना, ये चढ़ता उधर राइट 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 राइट। कितना हुआ आके दे दो, कोई बात नहीं, आप पैसे माथा टेकाओ आके दे देना मेरे को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम लोग ने प्रसाद ले लिया है जो कि 100 रुपीज का एक है, और उन्होंने कहा कि आप आने के बाद पैसे पेमेंट कर दीजिएगा। ये अच्छी चीज़ लगी मुझे काफ़ी, यहाँ पे शिव मंदिर है जी, ले लिया, शिव जी का मंदिर है। नहीं जी ठीक है, तो हम लोगों ने ये लिया है, इसमें हम लोग जल लेके जाएंगे जो क्योंकि सब लोग जल लेके जाते हैं यहाँ का पवित्र जल, और मज़ा आ रहा है काफ़ी क्योंकि यहाँ पर बहुत फेमस प्लेस है ये। वाह वहाँ पर धुआं ही धुआं है गर्म पानी का कुंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। ये देखिए लोग इसमें चावल पका रहे हैं, यहाँ के गर्म कुंड के पानी में ही चीज़ें पकती हैं और लोग उसका मतलब खाते पीते हैं। यहाँ पर खाना चावल दाल वगैरह सब इसी में पकता है, और स्नान के हर तरफ आपको इसी तरह का धुआं, और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं नेचुरल है, यही तो प्रकृति की खूबसूरती है, ये नेचुरल ब्यूटी है। बगल में पार्वती नदी है जो इतनी ठंडी है कि आप उसमें पैर भी नहीं रख सकते, ग्लेशियर से पिघल के सीधे आ रही है। ये नंदी भगवान हमारे शंकर पार्वती भगवान भला करो, ये देखिए। कुंड में खाना पक रहा है, भोजन पक रहा है कुंड में, मज़ा आ गया, वर्थ इट। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था स्टार्टिंग में आने में, बट यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर खाना पक रहा है, और कितने सारे सिक्के पड़े हैं लोग डालते हैं इसमें, और ये शंकर जी की थोड़ी सा है। बेटा आराम से, बेटा आराम से, देखती नहीं एकदम। अरे कोई ना, ये शंकर जी का पवित्र मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर, बहुत अच्छा वाइब्स आ रही है, आपको जरूर आना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बगल में भी है पार्वती नदी, बिल्कुल पीछे, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। गर्म पानी का झरना, एक
प्रकृति का चमत्कार देखना है तो यहाँ आइए। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, आप पहने जरूर हैं पर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी आपको। यहाँ पर आना बहुत आसान है, मैंने अभी इससे पहले भी बताया था। और यहाँ पर आने के लिए आप कुल्लू तक आ सकते हैं, कुल्लू के बाद टैक्सी ले सकते हैं और वहाँ से 45 किलोमीटर पड़ता है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। अभी हम गुरुद्वारे भी जाएंगे, वहाँ पर गुरु साहब के दर्शन करेंगे और लंगर भी है, देखते हैं लंगर भी। तो दोनों चीज़ें आसपास एकदम, और बहुत अच्छी मान्यता है, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ से आप जल भी ले जा सकते हैं।